हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 27 मार्च 2018 है। आज हम बात करेंगे 27 मार्च जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था एमपी कनिष्ठ का आपूर्ति अधिकारी वाला, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और दूसरे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इनकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं। पहला एक क्वेश्चन था, पाताल पानी कहाँ है। पाताल पानी दोस्तों पाताल कोट नहीं है, पाताल कोट तो छिंदवाड़ा में, पाताल पानी है सीधी में, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, धुआंधार दुर्गावती की समाधि मदन महल किला, ये है दोस्तों जबलपुर में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन था, आदमी की जो आंख रहती है वो कौन सा लेंस होती है, कौन से लेंस की, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर देख लेना आप। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है। पाँच यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क था ये क्या आएगा, इस पे 16 21 27, दोस्तों यहाँ पे 11 आएगा, क्योंकि इसमें देखिए आप ये 16 से 21 छः का डिफरेंस, 21 से 27 छः का डिफरेंस, तो यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। 5 में 6 यदि अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन था, एमपी के एक राज्य एमपी के एक मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत में कौन से राज्य साझीदार हैं। तो दो एक देख लेना दोस्तों, इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा होमवर्क कर लेना, ठीक है, आपकी भी तैयारी हो जाएगी। यदि आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन था, ये अगला क्वेश्चन था, छठवा क्वेश्चन, केन बेतवा रिवर लिंकिंग से एमपी के अलावा किस राज्य को फायदा होगा। तो यूपी है दोस्तों, ध्यान रखना, आपके लिए केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट का यदि मैप में देखोगे तो यूपी एमपी बॉर्डर पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर से कचरा उठाने में एमपी कौन से स्थान पर है, घर घर से कचरा उठाने में, तो ये देख लेना इसका कौन सा स्थान है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी के पूर्व मंत्री तिवारी का अभी निधन हुआ है, किस पार्टी के सदस्य थे। तो ये देख लेना, शायद देखिए एमपी में दो ही पार्टी हैं, आप उसमें चार ऑप्शन थे तो चार में से दो तो हट ही जाएंगे, बीजेपी बीएसपी था, समाजवादी, ये हट गए, इनको आप हटा दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, उसके बाद दो बचते हैं बीजेपी कांग्रेस, तो उसमें देख लेना आप। इसी प्रकार से एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कि 8:64 8:64 पर ये डबल लगा था यहाँ पे, और ये 12 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 144 आएगा। आप देखोगे 8 का ये कितना हुआ स्क्वायर 64, इसी प्रकार से 12 का कितना होगा, 64 ही होगा, ठीक है। अब मैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे मुझे याद है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन याद नहीं रहते, क्योंकि मुझे 15 16 क्वेश्चन याद है, मैं आपको आपको बता रहा हूँ, 200 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन याद नहीं है वैसे मुझे, ठीक है, 10% भी नहीं। किसी मूलधन के मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 152 रुपये है, ठीक है। और ये 20 रेट है, 20% टाइम है 3 ईयर, तो जो मूलधन है वो क्या होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान या कैलकुलेट करना है, ठीक है। SI और CI का जो डिफरेंस है वो है 152, और रेट है 20% और टाइम है 3 ईयर, तो जो मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको ये एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, FT में। इसी प्रकार से एक होता, 15 रुपये किलो वाले चावल और 9 रुपये किलो वाले चावल किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 16 रुपये किलो बेचने पर मिश्रण को 10% लाभ होता है। तो इसमें रेशियो ज्ञात करना था अपना, कौन कौन से मिलाए जा रहे हैं, 15 और 19, 9, और ये 16 रुपये किलो वाले मतलब दोनों को 16 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका रेशियो ज्ञात करना था, किस किस अनुपात में मिलाया जाएगा 10% लाभ हो, ठीक है, यानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कोई तद्भव शब्द पूछा था, देखिए तत्सम क्या होते हैं जो संस्कृत से आया, ठीक है, और तद्भव क्या होते हैं, एक एक या दो से शब्दों मतलब संस्कृत से डायरेक्ट ले लिए गए, थोड़ा बहुत उनमें सुधार, और ये थोड़ा एक या दो शब्दों से मिलकर, एक या दूसरी भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने रहते तद्भव, ठीक है। एक क्वेश्चन में त्रिभुज काउंट करने थे, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मगर त्रिभुज काउंट करने वाला था एक एक ये देख लेना आप, त्रिभुज काउंट करने वाले क्वेश्चन, ये कि रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये यहाँ पे देखिए 8 ये क्वेश्चन मार्क 24 क्वेश्चन मार्क 8 32 दिया था, तो इसमें आपको मतलब ये मैथमेटिक्स के जो वो रहते हैं आपके चिन्ह, उनको सिंबल उनको मतलब निकालना था क्या आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, देखिए यदि आप यहाँ पे प्लस करोगे तो ये 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस करोगे तो ये फिर आप 32 में, ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 16 था ये, ठीक है, यहाँ पे यदि आप इनको करोगे, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, आप देखोगे 40 40 में से फिर 8 घटाओगे तो ये 32 ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन आया था, एमपी के कोई गाने वाले हैं, कोई गाना गाते हैं, तो उनकी ड्रेस पूछी थी कि उनका ड्रेस क्या है, तो ठीक है दोस्तों, मुझे कुछ क्वेश्चन याद थे एमपी जो कनिष्क आपूर्ति अधिकारी वाला पेपर हुआ है उसके कुछ, यदि आपको कुछ फायदा होता तो अच्छी बात हो, जो एमपी के व्यापम के जो और एग्जाम आएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम
और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।